भारत में रोहिंग्याओं की अवैध घुसपैठ कितनी बड़ी समस्या है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मानव तस्करी मामले में NIA को देश भर में कार्रवाई करनी पड़ी। कार्रवाई के दौरान NIA ने 7 राज्यों में छापा मारकर 44 तस्करों को गिरफ्तार किया है। रोहिंग्याओं की अवैध घुसपैठ की गुप्त सूचना पर स्पेशल टास्क फोर्स ने असम में एक ऑपरेशन चला रही है, जिसके तहत अवैध घुसपैठ और मानव तस्करी में सक्रिय दलालों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत STF को त्रिपुरा से ट्रेन के जरिए आसाम पहुंचे 450 रोहिंग्या मुसलमानों के असम पहुंचने की सूचना मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए असम पुलिस ने सीमा सुरक्षा बलों की सहायता से सभी रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेज दिया गया। अभियान के तहत STF ने त्रिपुरा से 10 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ में पता चला कि मानव तस्करी का जाल देश के कई राज्यों में फैला हुआ है, जिसके बाद असम सरकार ने मामले को NIA को भेज दिया, जिसके बाद असम पुलिस और NIA संयुक्त रूप से मामले की जांच में जुट गई और देश भर में ऐसे दलालों की सूची तैयार की गई जो घुसपैठियों की मदद करते हैं, जिसके बाद एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और देश भर में NIA ने छापा मारकर 47 ऐसे दलालों को पकड़ा जो एक गिरोह बनाकर काम कर रहे थे। इनमें से 25 तो अकेले त्रिपुरा से गिरफ्तार किए गए हैं, वहीं 9 कर्नाटक से, 5 दलाल असम से, 3 पश्चिम बंगाल से, 3 तमिलनाडु से और 1-1 हरियाणा और तेलंगाना से दबोचे गए हैं। देश में अवैध घुसपैठ, विशेषकर रोहिंग्याओं की घुसपैठ गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिसकी जड़ें देश में बहुत गहरी हैं। देश में इस समस्या को जड़ से उखाड़ने के लिए केंद्र सरकार को व्यापक कदम उठाने होंगे, साथ ही राजनीतिक दलों को वोट बैंक की सियासत से ऊपर उठकर देश हित में सोचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क।